हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सुबह सुबह का वेलकम रॉक्सी मैडम के साथ। ये रॉक्सी मैडम सुबह सुबह थोड़ी सी लेजीनेस में रहती है, दिन भर चाहे सोगी कुछ भी करेगी पर दिखावा ऐसे करती है कि पूरे घर का काम का बर्डन पूरा रॉक्सी मैडम के ऊपर है। तो अभी मैं उसको नीचे लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ घुमाने के लिए। और एक रॉक्सी के अंदर एक कैमरा फ्रेंडलीनेस बिल्कुल नहीं है। अभी तक हमें लगता था कि सिर्फ मोबाइल के साथ ही ऐसा है, बट इसका हर एक चीज़ के साथ ऐसा ही है। तो किचन में जाते हुए अपनी गृहस्थी शुरू करते हुए, यहाँ पे करेले कटे हुए कट हो चुके ऑलरेडी, और मैं यहाँ पे वो जो डेली वाला रिचुअल है वो कर रही हूँ पानी डालने का। शेखर की चाय बन चुकी थी तो मैं शेखर की जो मॉर्निंग की चाय है वो छान के दे रही हूँ यहाँ पर। और अभी ये मॉर्निंग की ही चाय, ब्रेकफास्ट वाली नहीं है। अभी ये खाली पेट वाली जो चाय ले रहे हैं वो आज वो ले रहे हैं। और अब रॉक्सी फाइनली नीचे उतरी है, मैडम को घुमाने के लिए लेके जाना है। फ़िलहाल जो टाइम हो रहा था ऑलमोस्ट 9 बज रहे थे और अब मैडम घूमने जाने वाली हैं और मेरे जो काम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्योंकि करेला कटा हुआ था तो मैंने जल्दी से करेले की सब्जी बना दी, बट जैसे कि होता है ना कि करेला आप सूखा नहीं खा सकते हैं, तो मैंने अभी तो फ़िलहाल ये किया था कि मैंने करेले बना दिए थे, छोंक दिए थे, क्योंकि उनको पकने में भी थोड़ा टाइम लगता है। फूड प्रोसेसर में मैंने अपना आटा गून लिया था, क्योंकि मैं हाथ से नहीं गूनती हूँ, मतलब फूड प्रोसेसर से जल्दी जल्दी हो जाता है इसलिए टाइम टेकिंग नहीं है ज़्यादा। वो उसको बस मैं परात में लेके थोड़ा स्मूथ कर देती हूँ टेक्स्चर को, बस उतना करती हूँ मैं। अब यहाँ पर मैंने तवा वगैरह सब रख दिया है शेखर का लंच बनाने के लिए, और अब मैं पराठे यहाँ पे जल्दी जल्दी सेक दूँगी। और इस बीच में जो सब्ज़ी है वो भी मेरी बन ही रही है साइड बाय साइड। तो मतलब सुबह का जो रिचुअल रहता है वो यही रहता है कि आपको अपने काम पूरे जल्दी जल्दी ख़त्म करने हैं। कैसरोल का जो टिश्यू पेपर था वो मैंने चेंज करा थोड़ा सा उसको क्लीन करके भी, क्योंकि वो जो आपका चपातियों का जो मॉइस्चर होता है वो उसमें रह जाता है तो स्मेल आती है इसलिए। तो यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर जो है वो चेंज कर दिए हैं। और अब मैं इसके ऊपर, वैसे तो मैं कपड़ा भी यहाँ पे चेंज कर दूँगी क्योंकि वो कपड़े में से भी स्मेल आई जाती है एक दिन में, इसलिए तो कपड़ा भी मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगी। तब तक मेरा तवा भी गर्म हो रहा है, यहाँ पे मैं कपड़ा निकाल रही हूँ और ये वाला जो फ्रेश वाला कपड़ा है वो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं जल्दी जल्दी से जो पराठे हैं वो सेक दूँगी। और मेरी जो शिफ्ट टाइमिंग चल रही है वो 3 से 12 चल रही है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि रात में बहुत हसल बसल हो जाता है कि आपको रात का डिनर भी बनाना है, ब्रेक भी कम रहता है, क्योंकि 30 मिनट्स में आप डिनर तो नहीं बना सकते हो, एटलीस्ट जब आपको पता है ना कि लिमिटेड टाइम है तो नहीं बन पाता है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं खाना रात के हिसाब से तक बना दूं, बट इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि घर के काम ख़त्म करके आप 2 टाइम का खाना एक उसमें खड़े रह के मतलब करते रहें, तो कई बार कैपेसिटी नहीं होती। तो आजकल तो हम लोग यही प्रेफर कर रहे हैं कि सुबह हल्का सा अच्छा सा खाना ब्रंच काइंड ऑफ ले लें, देन रात को हल्के से दाल चावल, क्योंकि अभी वैसे भी फेस्टिव सीज़न स्टार्ट होने वाला है और फिर वो तला तलाई का तो काम हो ही जाएगा स्टार्ट। और जो मैं पराठे भी भेजती हूँ वो बहुत कम ऑयल के होते हैं, बहुत ज़्यादा वो मैं ब्रश यूज़ करती हूँ तो उसमें ऑयल वैसे ही मैं बहुत कम करती हूँ यूज़, बट ये है कि मेरा काम हो जाता है जल्दी जल्दी। चपाती सेकने में थोड़ा क्या है ना, मुझे गर्मी का ज़्यादा लगता है कि थोड़ी गर्मी उससे ज़्यादा लगती है, उसमें हीट ज़्यादा हो जाती है किचन में भी, आप चाहे चिमनी भी चला रहे हो तब भी। तो मैंने पूरा खाने का काम कर दिया था दोपहर का ऑलमोस्ट, और मैंने यहाँ पे किचन का स्लैब वगैरह सब क्लीन कर दिया। तो जो मेरे बेसिक काम थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे, घर की क्लीनिंग भी हो चुकी थी, किचन भी पूरा मैंने कम्प्लीटली साफ़ कर दिया था क्योंकि मुझे वैसे कोई काम ही नहीं था इसके बाद में। दूध आया था, दूध भी मैंने उबाल दिया, स्लैब वगैरह बिल्कुल क्लीन कर दिए है। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये मैं आखिरी में करती हूँ, मतलब जब मेरे पूरे काम ख़त्म हो जाते तब मैं एकदम किचन एकदम क्लीन कर देती हूँ, ताकि मैं आगे फर्दर मेरे खुद के काम कर सकूँ, मतलब मेरे ऑफिस के काम की तैयारी, लंच करना। रॉक्सी को तो मैं इस टाइम तक ब्रेकफास्ट ऑलरेडी दे चुकी होती हूँ, रॉक्सी का मैक्सिमम टाइम रहता है 10:30 तक, उस टाइम तक मैं रॉक्सी का नाश्ता उनको दे देती हूँ, क्योंकि वो फिर अपना फिर सोने वोने चल जाती है, क्योंकि शेखर के जाने के बाद में वो थोड़ी सी हो जाती है डल। अब इस टाइम पे क्या था, क्योंकि मेरा किचन का काम तो हो चुका था तो बाय चांस शेखर को कहीं विजिट पे जाना था तो मेरे पास टाइम था, शेखर लंच नहीं लेके गए थे
तो मैंने सोचा कि सिर्फ करेले ऐसे सिंपल देना बहुत ही सूखा सूखा सा हो जाएगा, तो मैंने क्या सोचा कि दाल भी और बना देती हूँ और यही मैं रात में दाल चावल के तौर पर भी खा लेंगे। यहाँ पे मैंने पराठा रख दिया है एक, जो मैं हमेशा गाय या नंदी जी के लिए निकालती हूँ वो, उस पर जो भी फ्रेश बना होता है वो मैं सब थोड़ा थोड़ा ऐड कर देती हूँ। और दो पराठे मैंने शेखर के लिए रख दिए, ये मैंने शेखर का लंच तैयार कर दिया था। इस टाइम तक शेखर ऑलमोस्ट 11:30 बज चुके थे, तो पराठे, दाल और करेले। दाल जो है वो बहुत ही सिंपल सी मैंने हल्की सी बनाई थी दाल, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हल्की ही खानी पसंद है। तड़के वाली दाल वगैरह अच्छा लगता है, बट कई बार होता है ना कि आपको लाइट खाने का ही मन होता है, और स्पेशली जब आपको पता है कि आपको खाना ही ये रात में है। अब क्योंकि अगले दिन नवमी थी और मुझे बिल्कुल फ्रेश सामान चाहिए था, और घर में थोड़ा सा मुझे लग भी रहा था कि सामान वगैरह जैसे कम हो गया है, तो मैंने उसको रीफिल करने के लिए 12:15 के आसपास शेखर आ गए थे विज़िट से, तो मैंने जल्दी से उनके साथ जाके थोड़ा सा सामान परचेज़ किया। और ये हमारा सोतलू सा बच्चा, कभी ये ऊपर सोता है और कभी ये नीचे सोता है, इसको सोने के अलावा कोई काम नहीं है। साफ़ सफाई कंप्लीट हो गई थी, डोरमैट्स वगैरह मैंने बिल्कुल धो दिए थे। ये कुछ 3 चीज़ें थी जो मुझे फ्रिज में रखनी थी। एक तो मैं टोफू वगैरह लेकर आ गई थी, एक मठे का पैकेट, मठे का पैकेट था, एंड एक था मेरा चिंग्स का मसाला, तो ये सब मैंने फ्रिज में रख दिया। यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट 12:30 बज चुका था और मेरा ऑफिस था 3 बजे से, तो मुझे बाकी के काम भी अपने जल्दी जल्दी करवाने थे, क्योंकि मैं रिलायंस भी जब मैं गई थी तो मैं ऐसे जल्दी से रेडी होकर चली गई थी। अभी मैं इस टाइम पे जाके वापस से रेडी होंगी ऑफिस के लिए, तो ये मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया फ्रिज में सामान का, प्रॉपरली रखा रहे, ताकि ये अभी 12:30 बज चुके थे ऑलमोस्ट, तो मैंने भगवान जी का पर्दा जो है वो लगा दिया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान जी दोपहर में सो जाते हैं, इसलिए तो मैंने उनका पर्दा लगा दिया ताकि वो इजीली रेस्ट कर सके। अब इस टाइम पे मेरा ऑफिस स्टार्ट हो चुका था, ऑलमोस्ट 2:40 हो गए थे, तो मैंने मेरा ऑफिस, इनफैक्ट 2:40 का नहीं, मेरा ये ऑफिस अभी 2 बजे से था, तो 2 से लेके 12 वाला था, तो मैंने जल्दी से अपना सिस्टम वगैरह स्टार्ट कर रही थी। हालत ख़राब हो चुकी होती है, लिटरली हालत ख़राब हो चुकी होती है, जब आप एक साथ 2 टाइम का काम करते हो ना, बुरी हालत हो जाती है। बट फिर भी अब ऑफिस का काम करना है, घर का काम भी करना है, कोई उसका वो नहीं कि ऑफिस का काम कोई और कर सके वैसा। ये रॉक्सी मैडम नींद से उठी हैं तो थोड़ी सी पैम्परिंग चल रही है अभी इस टाइम पे। मैं रॉक्सी को शाम को जल्दी से घुमाने के लिए ले जाती हूँ 6:30-7:15 के आसपास, और अभी ऊपर से बस झांक रही है, इनको बस आप आवाज़ें लगाते रहो ये मैडम नहीं आएंगी। बहुत मेहनतें करने के बाद नीचे उतरती है घूमने के लिए, जब उसको लगता है कि हाँ मुझे एक्चुअल में घुमाने लेके जा रहे हैं, फिर उसको बाहर लेके जाओ घुमा के लाई मैं। अभी ऑलमोस्ट 8:30-9 हो गए थे, तो ये शेखर आ चुके थे और ये शेखर रॉक्सी को कैमरे के थ्रू हाय हेलो कर रहे थे। मेरा ब्रेक था तो मैंने जल्दी से दाल चावल जल्दी से, और क्या हुआ कि मेरे ब्रेक से पहले मैंने जल्दी से चावल उबाल दिए, और ये मैंने थोड़ा सा सब्जी फ्रेश वगैरह मंगा ली थी एकदम, क्योंकि कल पूजा थी तो मेरे को सब कुछ सूचा चाहिए था, और एक मेरा ऑर्डर आया हुआ था उसका भी मैंने डिलीवरी ले लिया था ताकि उसका मैं पैकिंग वगैरह कर सकूँ। ये रॉक्सी मैडम फिर अपने कैमरे को नखरे दिखाती हुई, कैमरा और रॉक्सी का एंटी है, 36 का आंकड़ा है इनका। दाल चावल के साथ में मैंने प्याज ले लिए। अब बाय चांस मेरे दिमाग में क्या है कि मैंने नंदू जी के लिए, गाय के लिए कुछ भी नहीं निकाला, तो जल्दी से मेरा ब्रेक ख़त्म होने वाला था, मैं जल्दी जल्दी वो निकाल दिया, और रॉक्सी अब जा रही है घूमने। आज का ब्लॉग इतना ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।